सबसे पहला बात तो आप समझ लीजिए माफिया राज, अगर आपको व्यक्तिगत आपको लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप कोई मुख्यमंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं करता तो बेकार है। आप बनारस शहर घूमिए, आपको बेकार नज़र आएगा। हम अपने मुंह से क्या बोलें, गलियों में जाइए, आपको गलियों में भी समझ में आएगा कि सफाई और जो चौका पूरा पानी का सारा सिस्टम बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया विकास हुआ है, अब क्या विकास चाहिए, सब जगह बन रहा है, विकास हो रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करके चला दिया, मायावती जी को भी किसी ने लोग पसंद करते थे कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा अच्छा किया था, जो कि जब पहले 60 रुपये का सम्मान लेते हैं, अब वो 10 रुपये का सम्मान ले रहे हैं। हाँ, काम तो बढ़िया कर ही रही है, आगे भी करेगी, दोनों डबल इंजन का सरकार ने। इस वक्त हम बनारस के गुदौलिया चौराहे पर हैं और लगातार जनता से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बनारस का सियासी मिजाज कैसा है, क्योंकि बनारस का अल्हड़पन अक्खड़पन पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। चाचा, क्या माहौल है इस बार? माहौल बढ़िया है। बढ़िया मतलब कैसे, क्या योगी जी ठीक काम कर रहे हैं? एकदम ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या योगी जी के राज में क्या क्या विकास हुआ? आप बनारस शहर घूमिए, आपको विकास नजर आएगा। हम अपने मुंह से क्या बोले, विकास हुआ, इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए, विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ भाई साहब, एकदम हुआ है। बहुत बढ़िया विकास हुआ है, अब क्या विकास चाहिए, सब जगह बन रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, एकदम विकास हो रहा है। बोल रहे मंदिर के आसपास विकास हो रहा है, बाकी पहले जैसे नहीं, नहीं एकदम ऐसा है। आप गलियों में जाइए, गलियों में जाइए, आपको गलियों में भी समझ में आएगा कि सफाई और जो चौका पूरा पानी का सारा सिस्टम बना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। कल जो नया जो पाइप लग रहा है, सब पाइप नया नया पाइप लग रहा है, सब पत्थर बिछ रहा है, विकास तो बहुत हो रहा है। मतलब योगी जी, मतलब मुख्यमंत्री आपको पसंद है बतौर मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल, और योगी जी व्यक्तिगत रूप से पसंद है आपको? योगी जी व्यक्तिगत रूप से पसंद है, बिल्कुल पसंद है, एकदम 200% पसंद है। अच्छा, हाँ, कहे इसके पीछे क्या कारण है, उनकी हिंदुत्ववादी छवि? नहीं नहीं, ऐसी कोई कार्यशैली, 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 सबसे पहला बात तो आप समझ लीजिए माफिया राज, अगर आपको व्यक्तिगत आपको लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप कोई मुख्यमंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं करता तो बेकार है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करके चला दिया, मायावती जी को भी किसी ने लोग पसंद करते थे कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा अच्छा किया था, और उससे भी अगर अच्छा किसी कोई आपको मिलता है तो आप उसको पसंद करेंगे, नेचुरल है। अखिलेश के राज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था, वो कितना था सभी को मालूम है, तो बता दीजिए, हमको नहीं मालूम। अरे आपको बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम है, बस आपको सब मालूम है। उसी के अभी आप एक दो दिन पहले, अभी दो दिन पहले चंदौली में अभी आप वहाँ के विधायक जी प्रशासन के गले में हाथ डाल के, आपने देखा है वीडियो, अनिरुद्ध सिंह के गले में हाथ डाल के उनको अपने सर से मार रहे थे। अच्छा, और उसको वो अगर ऐसा, अगर प्रशासन, अगर वो तो अभी समय पावर में नहीं है, अगर पावर में होता तो क्या करते उनका, वो अनिरुद्ध सिंह का, वो इंस्पेक्टर का क्या होता, आप बताइए। मतलब सपा राज में बहुत गुंडागर्दी थी। देखिए, हमारे कहने का मतलब गुंडागर्दी का बात नहीं है, बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, चाहे कोई भी रहे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है भाई साहब कि नहीं, योगी सरकार ठीक काम कर रही है नहीं, ये आप ही भैया बता सकते हैं। अरे ये भैया बता सकते हैं, अपना बात बोल, यही बात है ना, हमारे कहने का मतलब कुछ भी हो, गलत हो, सही हो, आप अपना बात करिए, सही बात है। हमारे कहने का मतलब हमें जो समझ ठीक लगा हमने कहा, जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो कहे, जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो कहे, आप सिर्फ मेरी बात मत सुनिए, हम इनकी भी सुनने जा रहे हैं, इनकी सुनिए, भैया जी की सुनिए, और लोगों की सुनिए। बोलना पड़ेगा, बोलना। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संतोष है। संतोष जी, ये बताइए कि कैसा चल रहा है योगी सरकार का? देखो, इसे कहाँ से बढ़िया काम चल रहा है, खराब नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अब तक की सबसे बढ़िया सरकार है क्या? अरे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सरकार क्यों नहीं रहेगा बढ़िया, आने वाले समय में और भी होगा। अच्छा, अखिलेश पसंद नहीं है आपको? नहीं, अखिलेश भी पसंद है, अखिलेश भी ऐसा नहीं कि नहीं काम किया, अखिलेश भी काम बहुत बढ़िया किया है, लेकिन एक में जो काम कर रहा है इसके लिए हम तारीफ करने की कोशिश करें। अच्छा, योगी जी को काम कर रहा है उससे आप तारीफ करेंगे? महंगाई वगैरह कोई मुद्दा नहीं है क्या? क्यों नहीं, महंगाई क्यों नहीं मुद्दा है, ये तो घट रहा, दूसरा बढ़ रहा, दूसरा बढ़ रहा, घट रहा, तीसरा बढ़ रहा है, इसी में चल रहा है। क्या महंगाई, क्या बीजेपी सरकार
तो भी देखिए हर चीज का महंगाई है, क्या बात नहीं है। काम में बेटा निकी जो काम देख रहे हैं ना वो काम नहीं हो रहा था। अच्छा, बस पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर वो खर्च पी के बढ़ रहा है। आपने भी रेट बढ़ा दिया अपनी दुकान में कि नहीं? हाँ, रेट के हर तरह से बढ़ता है। जब अंडा के दुकान में अंडा जाएंगे खरीदने के, जब अंडा वाला रेट बढ़ाएगा तो हमको भी काम रेट बढ़ाना पड़ेगा। पिछले एक साल में कितना दाम बढ़ गया? अब ये बारे में हम उतना नहीं बता पाएंगे। सामान लेने नहीं जाते क्या? सामान लेने जाते हैं, जो कि जब पहले 60 रुपए का सामान लेते हैं वो 10 रुपए का सामान ले रहे हैं। जो पहले 7 का था अब 10 का हो गया। 8-10 के ले रहे हैं। मनोज क्या है, बनारस से ही हो? हाँ, बनारस। और आप बनारस में विकास? हाँ, विकास बहुत हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? अरे मंदिर का काम हुआ है, गली का काम हो रहा है, गलियों का काम हो रहा है, मंदिर का काम हुआ है इधर। क्या क्या काम हो रहा है? रोड का काम हुआ है, नाली बना हुआ है। अच्छा, और पहले से मतलब व्यवस्था ठीक है? ठीक है। हाँ चाचा बताइए, नाम बता दीजिए। अरे नंबर बताओ। दुकान है मशहूर? अच्छा, संतोष चौरसिया। संतोष चौरसिया है ये, इनकी मशहूर पान की दुकान है। और भीड़ ही बता रही, क्या हाल है संतोष भैया? ये है संतोष भैया। अरे संतोष जी आप भाग रहे हैं, बताइए। कोई बात ही नहीं कर रहा है भैया, नाम नंबर तो बता दीजिए। बोल हमारे कैमरा मैन आ जाए, एक बार दिखाइए। ये मशहूर पान की दुकान है और यहाँ पर भारी तादाद में लोग भी आए। अंकल आप आ जाइए, डर रहे हैं कैमरे के सामने। नाम ध्यान समर, एक बार नाम बता दीजिए। गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद जी ये बताइए कि क्या है इस बार का बनारस का माहौल? बनारस में तो भैया बीजेपी का एकदम है। बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। हाँ, काम तो बढ़िया कर ही रही है, आगे भी करेगी। तो मोदी जी पसंद है कि योगी जी? दोनों पसंद है, दोनों। डबल इंजन का सरकार ने है। डबल इंजन का सरकार है भाई साहब, लग रहा है है भैया डबल इंजन की सरकार? हाँ बिल्कुल, विकास हो रहा है। विकास बहुत हो रहा है। अच्छा भाई साहब, और कोई बोल ही नहीं रहे, बताइए। नाम बता दीजिए अंकल, नाम बता दीजिए भाई साहब। दरअसल हर किसी के मन में बातें हैं, लेकिन कैमरे के सामने आकर कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, डिफैक्ट इंडिया, वाराणसी।